मिले और वेलकम बैक टू माई चैनल. बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ. मैं आया हुआ था ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो 2020 में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट किए, उनके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और कुछ वीडियोस आज मैं डाल रहा हूँ. लेकिन आज मैंने पूरा दिन जब शूट किया तो अभी शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया है. जो रिव्यू टेस्ट ये सारे वीडियोस मैं लगातार डाल रहा था, लेकिन मैंने अभी तक व्लॉग नहीं डाला. काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं लास्ट टाइम आगरा गया था तब मैंने पूरा डाला था. तो मैं यहाँ ऑटो एक्सपो में आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर मैं एक व्लॉग बनाऊँ छोटा सा. तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ नॉलेज पार्क में, जहाँ पर ऑटो एक्सपो लगा हुआ है. तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और मैं अंदर भी जाऊँगा एग्जीबिशन में, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ कौन से काउंटर लगे हैं, कैसा अंदर का माहौल है. जो लोग आए नहीं हैं, जो आ नहीं सकते, जो बहुत दूर है, जो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये व्लॉग है. तो आप लोग देखिएगा, इन्जॉय करिएगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. तो अभी मुझे लगी थी प्यास, तो मैं आया था फूड कोर्ट साइड में, तो बैठा हूँ और पानी पी लिया है मैंने और आधी बॉटल ख़त्म कर दी है. तो अभी अकेला ही मैं आया था और कोई मेरे साथ में आया भी नहीं था. तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा एरिया है जहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये पूरा एरिया फूड कोर्ट का है. इधर आप लाइन से पूरा देखेंगे तो आपको पूरे फूड कोर्ट नज़र आएंगे. तो ये बाकी बैठने के लिए भी है यहाँ पर पूरा. तो गाइस, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है टेस्ट राइड के लिए, तो आज स्कॉडा और सुजुकी टू व्हीलर टेस्ट राइड भी करवा रहा है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जा सकते हैं. बाकी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियां नहीं आई हैं, इंडिया की टॉप फोर कंपनीज़ टू व्हीलर्स की वो आई ही नहीं है, यानी हीरो, होंडा, टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियां नहीं आई हैं. बाकी फोर व्हीलर्स में भी काफ़ी कंपनियां नहीं आई हैं. तो मैं फटाफट अंदर चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा एग्ज़िबिशन लगा हुआ है. मैं एग्ज़िबिशन के अंदर आ गया हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये पवेलियन है मर्सिडीज़ का. तो अलग अलग यहाँ पे मॉडल्स और जो कॉन्सेप्ट मॉडल हैं वो भी हैं, जो लॉन्च हो चुके हैं वो भी हैं, और जो नहीं लॉन्च हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मर्सिडीज़ के सारे मॉडल्स लगे हुए हैं, और इधर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर टाटा के ट्रक्स लगे हुए हैं. तो ऐसा कुछ एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अब आपको और दिखाते हैं. मैं जब आया था तो सुबह कम भीड़ थी जब मैं 11 बजे पहुंचा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो मर्सिडीज़ के ही पवेलियन में यहाँ भीड़ थी. और अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं ये पीछे जो आप देखेंगे तो मर्सिडीज़ के पवेलियन में ही भीड़ है. बाकी आपको कुछ स्टोर्स भी देखने को मिल जाएंगे ऐसे यहाँ पर लगे हुए हैं. तो देखेंगे कि ये मर्सिडीज़ के मॉडल्स हैं, और ऐसे ही आपको पूरी भीड़ नज़र आएगी. आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ है, और ऐसे एग्जीबिशन लगा हुआ है पूरा. आपको ऐसे भी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, आप आराम से बैठ सकते हैं इसको और चला भी सकते हैं, एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ है. तो अभी मैं चलता हूँ दूसरे पवेलियन पे. तो ये आप, मैं आज गया हूँ फोक्स वैगन के पवेलियन पर, और फोक्स वैगन के पवेलियन मैं आपको दिखाता हूँ. एक कार है टैगन, कॉन्सेप्ट मॉडल है, और बाकी जो है इसका भी मैंने वीडियो बनाया, आपको एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा. बाकी ओवरऑल आप यहाँ देखेंगे कहीं कहीं आपको बैठने मिल जाएगी, आप बैठ भी सकते. ये फोक्सवैगन की पोलो रेस एडिशन है, और इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो. इधर मैं आ गया हूँ स्कॉडा के पवेलियन पे. पुरानी स्कॉडा सुपर मॉडल दिखाने वाला हूँ, स्कॉडा की सुपर मॉडल है. तो ऐसे भी कई सारे आपको मिल जाएंगे गाड़ियाँ.
बाकी यहाँ पर एक काउंटर और है, तो यहाँ पर आपको वॉल्वो की, बीएमडब्ल्यू की, वैगन और हुंडई जैगवार जैसे मॉडल मिल जाएंगे। वार्ड मिला था वो कार्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है, यहाँ पर आपको जैगवार की मिल जाएगी, बाकी फोक्स वैगन की भी कार खड़ी है और हुंडई की भी कार खड़ी है। वर्ल्ड लेवल पर जिनको अवार्ड्स वगैरह मिला है, आई थिंक शायद उनका एग्जीबिशन है ये। और एक ये यूनिक मॉडल खड़ा हुआ है यहाँ पर बीएमडब्ल्यू का। फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप फोटो वगैरह शूट कर सकते हैं, तो ऐसा भी है। और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ टाटा के पवेलियन पे। यहाँ पे ये एक अल्ट्रॉज कार है, टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जो फ्यूचर में लॉन्च हो सकती है। और बाकी हम आपको दिखाते हैं टाटा की बसेस, जो वो भी यहाँ पर खड़ी हैं, जो फ्यूचर में लॉन्च हो सकती हैं, वो आप ये देखेंगे। सॉन मॉडल है ये, पीछे आप देखेंगे यहाँ, ये पूरा आप देखेंगे, यहाँ पूरा टाटा का ही फ्यूचर देखने को मिलेगा। गाइज, आपको इतने बड़े बड़े यहाँ ट्रक्स भी एग्जीबिशन में देखने को मिल जाएंगे। ट्रक, बसेस, कार्स, बाइक, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। और खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ बाहर हॉल से, और आप देखेंगे पूरा अंधेरा है, अंधेरा हो चुका है। ये साइड में पूरे स्टॉल लगे हुए हैं। मैं जा रहा हूँ हॉल नंबर 12 के पास में। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ हॉल नंबर 12 पे, और यहाँ पर ज़्यादातर टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के एग्जीबिशन यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी आपको यहाँ विंटेज कार भी देखने को मिल जाएंगी। पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर है ओकिनावा का काउंटर, और ये जो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है ये सुजुकी टू व्हीलर्स का काउंटर, ये पीछे आप जो देखेंगे। सो फाइनली मैं सुबह से यहाँ शूट कर रहा था, जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनसे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो योगी सर मुझे मिल गए हैं ICN स्टूडियो से। और सर, बहुत लोगों को, काफ़ी लोग इनसे सीखे हैं और मैं खुद सीख रहा हूँ, और मैंने भी स्टार्ट किया है, और सर से, और सर यहाँ शूट कर रहे थे, मुझे दिख गए, और गगन सर भी दिख गए मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। अभी मैं ऑफ कैमरा बात ही कर रहा था, तो सर थैंक यू सो मच, आप मिले और सर के चैनल को देखिए आप सभी लोग, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो हिंदी व्यूवर्स हैं, जिनको हिंदी समझ में आती है और जो हिंदी का कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइस, वैसे वीडियो तो मैं ख़त्म कर चुका था, लेकिन अभी क्या है कि मुझे मिले ICN स्टूडियो के योगी सर, और वो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ शूट चल रहा है, और गगन सर भी मुझे दिखे थे यहाँ पर, उनके साथ में सेल्फी वेल्फी ली, और वो निकल गया शूट के लिए, और मैं भी बस निकल ही रहा था। तो मैं लकी था कि मैं जब निकल रहा था और बैटरी पूरी एंड पे थी, लेकिन वो दिख गए। और वहाँ फोर्स मोटर्स की गोरखा है, तो उसका शूट चल रहा है, तो वो अपने चैनल के लिए शूट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर मुझे दिख गए और फिर आए, हमसे बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा। डिटेल में आपको आएंगे तो वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सब की पिक्चर्स अगर देखना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम।